नमस्कार, अगली खबर है डिंडौरी से। डिंडौरी जिला मुख्यालय में बीईओ ऑफिस में लोकायुक्त का छापा पड़ते ही हड़कंप मच गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार चिंचरिंगपुर हाई स्कूल में पदस्थ प्रभारी प्राचार्य राम कुमार सयाम को निलंबित करने की धमकी देकर बचाने के एवज में 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए जबलपुर लोकायुक्त पुलिस की टीम ने गिरफ्तार किया है। शिक्षक ने बताया कि इसके पहले भी बीईओ को 15,000 रुपए दे चुका था। इसके बाद भी बीईओ 20,000 रुपए की मांग कर रहा था। लोकायुक्त द्वारा सूचना जारी की गई, जिसमें बताया गया कि आवेदक राम कुमार सयाम, पिता अमर सिंह सयाम, सहायक अध्यापक प्रभारी प्राचार्य चिचरिंगपुर विकास खंड डिंडौरी जिला डिंडौरी की शिकायत पर आरोपी सुरेश कुमार द्विवेदी, पिता विकास खंड शिक्षा अधिकारी विकास खंड डिंडौरी जिला डिंडौरी को गिरफ्तार किया है। गैर हाजिरी निकाल करने एवं निलंबित ना करने के एवज में 25,000 रुपए रिश्वत की मांग की गई थी। 20,000 रुपए रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त टीम द्वारा कार्यालय विकास खंड शिक्षा अधिकारी डिंडौरी में गिरफ्तार किया गया है। उक्त कार्रवाई में निरीक्षक GS मर्सकोले के नेतृत्व में निरीक्षक ऑस्कर किंडो एवं लोकायुक्त टीम लोकायुक्त संभाग जबलपुर की महत्वपूर्ण भूमिका रही। चल हो गया, बस हो गया, चल हो गया।